बिग बॉस के इस सीजन का सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? इस पूरे सीजन में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा नापसंद किया जा रहा है, मैं आपको बताने आ गई हूँ। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो स्टैन हो, गोरी हो, अब जो बाहर निकल गए मैं उनको भी काउंट कर रही हूँ, सृजिता हो, मान्या हो, गौतम, सौंदर्य, प्रियंका, अंकित, निमृत, शिव वगैरह 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 जितने भी हैं, बेसिकली इन सब में से एक शख्स ऐसा है जिसको कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग मिल रही है, जिसके लिए कॉन्स्टेंटली ये कहा जा रहा है कि भैया इसको सबसे पहले बाहर करो, इसको सबसे पहले निकालो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सुंबुल है, आप गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रियंका है तो ये गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अर्चना है तो भी आप गलत है। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि कौन है, खुद बिग बॉस है। बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो तो अपना गेम खेल ही रहे हैं, लेकिन बिग बॉस अपने आप में सबसे ज्यादा अनोइंग कंटेस्टेंट बन गए हैं। सबसे ज्यादा टिप्पणी बिग बॉस खुद करते रहते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्शंस बिग बॉस खुद देते रहते हैं। कई सारे लोगों ने एक साथ एकजुट होकर ये बात कही है कि बिग बॉस की आवाज अपने आप में बहुत इरिटेटिंग हो गई है, बिग बॉस का तरीका अपने आप में बहुत इरिटेटिंग हो गया है, बिग बॉस का हर चीज में इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग हो गया है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस सेज ही इज प्लेइंग दिस सीजन, ही इज द मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट एवर, हिज वॉइस हैज इवन बिकम अनोइंग एंड टू बायस्ड, ही नीड्स टू बिहेव लाइक बिग बॉस नॉट लाइक अ कंटेस्टेंट। जी हाँ, यानी कि आपको बिग बॉस अगर होना है तो आपको बिग बॉस की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आप कंटेस्टेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते, आप घर वालों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी इस वक्त कि लोग और क्या क्या कह रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एक तो बिग बॉस की ये चीज राहुल वैद्य ने भी कही थी, अगर आपको याद हो, राहुल ने कहा था कि यार अगर बिग बॉस का एक जो चार्म है ना वो उनकी कम आवाज आने पर ही है, कि कभी कभार बोलेंगे तो वो खौफ बना हुआ रहता है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि बिग बॉस ताने भी मार रहे हैं, बिग बॉस मस्करी भी कर रहे हैं, बिग बॉस कुछ भी कर रहे हैं। अरे खेलो आप, लेकिन आप यहां से खेलो, आप जनता को दिखाओ कि आप खेल रहे हो, लेकिन आप कंटेस्टेंट्स के साथ खेलने पर उतर आओगे तो फिर आपका जो इम्पैक्ट है, बिग बॉस वाला इम्पैक्ट, वो खत्म हो जाएगा। आपका जो एज सच जो एंडेवियर है, जो आपका एक पूरा स्टारडम है बिग बॉस का, जो चार्म है बिग बॉस का, वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे करते करते मुझे लगता है मेरा हाथ फ्रेम से ही बाहर चला जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा का पूरा चार्म है वो ही खत्म हो जाएगा, तो क्या फायदा आपके बिग बॉस होने का। जनता लगातार यही इल्जाम लगा रही है बिग बॉस पर कि आपको ये चीज सतर्क होने की जरूरत है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप कंटेस्टेंट नहीं है। कंटेस्टेंट्स के बीच में उतना ही बोलिए जितना एक बिग बॉस वाले लेवल पर आप बोलते हैं। कंटेस्टेंट बनकर कंटेस्टेंट्स से बातचीत करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, किसी की टांग खिंचाई करेंगे, किसी का कुछ करेंगे, तो आपकी जो एक सो कॉल्ड रिस्पेक्ट थी वो खत्म होती चली जा रही है। और इस सीजन में आपकी आवाज भी इतनी ज्यादा सुनने को मिल रही है घर के अंदर कि अब वो आवाज कभी कभार सुनने वाली जो फीलिंग है ना वो खत्म हो गई है। आप क्या, आप कितना अग्री करते हैं इस बात से? मैं काफी हद तक अग्री करती हूँ। आप क्या कहेंगे बताइएगा।